अपनी कहने और दूसरों की सुनने का एक सशक्त माध्यम है सिनेमा। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें इलाकाई सरहदें धुंधली हो जाती हैं। इसकी मास अपील ने इसे एक ऐसा रचनात्मक जरिया बना दिया है जिससे शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक बदलाव एक साथ संभव है। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिसने अभिव्यक्ति की असीम संभावनाओं के द्वार खोले हैं। फिल्मकार इस माध्यम का सहारा लेकर सकारात्मक सामाजिक मूल्यों के प्रचार को संभव बनाते हैं और इस तरह एक सहनशील और समरसता से भरे समाज की राहें खोलते हैं। फिल्मों के इसी सामाजिक रोल को और भी असरदार बनाने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय हर साल आयोजित करता है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। यह समारोह एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। दुनिया भर की ताजा और बेहतरीन फिल्मों को एक ही जगह पर देखने दिखाने का ये फिल्म मेला इस बार भी गोवा में आयोजित हुआ। गोवा में लगातार होता आ रहा ये 10वां और भारत का 44वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह रहा। 11 दिनों तक चले इस समारोह का उद्घाटन एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। Given the privilege of being asked by the leadership to serve as India's Minister for Information and Broadcasting, an office which many believe is a hangover from the erstwhile socialist era and may be out of sync with the transforming paradigms. However, one of the first tasks that I had to perform was to review the preparation for the 43rd edition of the International Film Festival of India, IFFI, commemorating the centenary of the Indian Film Festival. कथक जो है हमारे लक्ष्मी महाराज जी 40 साल से फिल्म में रहे और मुगल आज़म, पाकिज़ा, तीसरी कसम वगैरह वगैरह करते रहे। फिर कुछ अरसे से कुछ सालों से मैं भी जुड़ गया तो देवदास, गदर, दिल तो पागल है, माधुरी के कुछ हिस्से किए, अभी डेढ़ इश्क किया जो भी आएगी फिल्म उसमें भी किया, डायरेक्शन है मेरा, और देवदास तो माधुरी का था ही, तो मैंने उन्हीं गानों को लिया है। और लेकिन सारे स्टूडेंट हमारे बंगाल, महाराष्ट्र, ये सब जगहों के हैं, उनके साथ मिलके ये 4-5 चीज़ें हैं। भारत में फीचर फिल्मों के 100 साल पूरे होने के मौके पर इस बार एक नया पुरस्कार भी जोड़ा गया। ये पहला फिल्म शताब्दी पुरस्कार दिया गया जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 74 वर्षीय अनोखे चेकोस्लोवाकियाई फिल्मकार यर्जी मेंजेल को। भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हर साल एक नई ताजगी और ऊर्जा से भरता जा रहा है। हर साल ये समारोह दर्शकों और भागीदारों को नए अवसर उपलब्ध कराता है। यहाँ दिखाई जाने वाली क्लासिक और कॉन्टेम्प्रेरी फिल्में बदलते हुए समाज और विकसित होती फिल्म कला की गवाही देती हैं। ये उत्सव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उन्नत सिनेमाई संस्कृति को बढ़ावा देने, राजनीतिक और व्यावसायिक दबावों से मुक्त फिल्मों को सामने लाने का काम करता आ रहा है। समारोह में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ साथ फिल्मों के कारोबार के भी मौके मिलते हैं। विचार विमर्शों के कई सत्र औपचारिक और अनौपचारिक मंचों के जरिए सामने आते हैं। इन मंचों पर फिल्मकारों और दर्शकों के अलावा तकनीशियनों, फिल्म समीक्षकों, शोधार्थियों और व्यवसायियों को एक साथ आने के अवसर मिलते हैं। विश्व सिनेमा खंड में इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता, विश्व सिनेमा फेस्टिवल, कलाइडोस्कोप और मास्टर स्ट्रोक्स खंडों के अलावा स्केचेज ऑन स्क्रीन और एनिमेशन श्रेणी की फिल्में भी शामिल रहीं।
फेस्टिवल की उद्घाटन फिल्म रही डॉ युआ, जो कि लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित फिल्मकार येर्जी मेंजेल द्वारा निर्देशित थी। हल्के फुल्के हास्य को समेटे डॉ युआ एक ऐसी ओपेरा कंपनी की कहानी है जिसका निर्देशक वीटेक अब ओपेरा से ज्यादा सोप्रानो सिंगर्स में दिलचस्पी रखता है। Když mi bylo 14, nafackovala jsem panu řediteli. Proč? Zasloužil si to. Mozart के ओपेरा डॉ युआ के रिहर्सल के दौरान सामने आई कई अड़चनों का अंत बदलती ओपेरा संस्कृति और बाजार की बेदर्दी में होता है। Tohle je Don Juan. Většího sukničkáře jsem nepoznal, kromě sebe ovšem. ここは現実じゃない。意識の中だ。センシングっていう特別な方法で直接厚みの意識にコンタクトしてるんだ。फिल्म फेस्टिवल में जापान फोकस कंट्री रहा। इस सेक्शन में आई 14 फिल्मों में जापान की मौजूदा फिल्म कला को दर्शकों ने खूब सराहा। रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में पोलैंड की एग्निस का हॉलैंड की 7 फिल्में दिखाई गईं। On the eve of war in 1938, his father orders him to survive at any cost. Separated from his home and family, he embarks on an odyssey, the likes of which has never been seen on the screen before. हाल के वर्षों में ईरानियन सिनेमा तेजी से विश्व पटल पर छा गया है। इसकी वजह यहाँ की फिल्मों में मौजूद ताजगी और समकालीनता है। یعنی یه دونه میخوام درست کنم رنگ لباسش پوران درخشاندے کی فلم خوش گرلز ڈونٹ سکریم چھوٹی بچیوں کے ساتھ دوراچار کو بڑے ہی اثردار ڈھنگ سے سامنے لاتی ہے آبرو تو میبرد آبرو خود خانواده قربانی خانواده قربانی به دلیل حفظ آبرو روی جنایت جنایتکار سرپوش میذارن و با اون در واقع همدست بچه من یه دقیقه از این خونه بیرون نمونده تعلقی विश्व सिनेमा के होमेज सेक्शन में जापानी फिल्मकार नगीसा ओशीमा, दक्षिण कोरियाई फिल्मकार पार्क चुलसी, रूसी सिनेमाटोग्राफर वादिम यूसोव और पटकथा लेखक रुथ प्रवर झाबवाला की फिल्में दिखाई गईं। Your Excellency, ladies and gentlemen, the King Emperor. It was all long ago, when princely India still was, good lord, princely. I was perhaps somewhat apart from the other official English, who were always very official. His India really got to her. The wealth, the glamour, and all the rest of it. She wasn't the type to hold back, to be cautious. अगर सिर्फ विश्व सिनेमा खंड की बात करें तो यहाँ 74 देशों की 250 फिल्में दिखाई गईं। उन सब का जिक्र यहाँ करना न तो संभव है और न ही जरूरी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की इस खास रिपोर्ट में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे इंडियन पैनोरमा की फिल्मों पर और इसके साथ साथ इस बार गोवा में हुए फिल्म फेस्टिवल की कुछ और सुर्खियों पर। एक छोटे से ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की खास रिपोर्ट। हर बार का फिल्म फेस्टिवल इंडियन पैनोरमा में नया कुछ जरूर लेकर आता है। इस फेस्टिवल में विभिन्न भारतीय भाषाओं की 26 फीचर और 16 गैर फीचर फिल्में शामिल थी। ख्वाजा अहमद अब्बास, सत्यजीत रे, प्राण और शमशाद बेगम को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ खास फिल्में तो यहाँ दिखाई ही गई। स्टूडेंट सेक्शन की 20 फिल्में नए और युवा फिल्मकारों को सामने लाने वाली थी। ये पहला मौका था जब पूर्वोत्तर राज्यों की फिल्मों का एक खास सेक्शन इस बार इंडियन पैनोरमा में जोड़ा गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार एक बिल्कुल नया खंड जोड़ा गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की 18 नई और क्लासिक फिल्मों को पहली बार इस फेस्टिवल में एक साथ देखा गया। असक कदक माउलो मलाई मनी
ये जानना हैरान करने वाला रहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में फिल्म संस्कृति कोई उल्लेखनीय विकास नहीं कर पाई है। जीवन पनि जीवन हुन्छ केवल बाचुन्जेला। आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में रहन सहन, खान पान और बोली भाषा की सतरंगी झांकी अगर फिल्मों के जरिए देश विदेश तक नहीं पहुंच पाती तो इसकी एक वजह यहां फिल्मों का अविकसित रहना भी है। भवेंद्रनाथ सैकिया, जानू बरुआ, अरिबम श्याम शर्मा जैसे पुरस्कृत और चर्चित फिल्मकारों के बरसों से सक्रिय रहने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्य अपनी फिल्म संस्कृति का कोई विकास नहीं देख पाए हैं। How to reach audience? How to get back the fund? We have no infrastructure there. We are having a very complex audience, and the mainstream Hindi films are getting all the advantages there. Like in Assam, Brahmaputra Valley, this is the only state where we are producing maximum numbers of film comparing to the other states in northeastern region. But the main problem in Assam is that again that complex audience speaking different languages, and the mainstream Hindi film always gets the preference for releasing. The era, the cinema culture, the rapidly it is changing in the world scenario, and with that scenario we have to change our further journey towards the new kind of cinema in the world, and we should not confine in Northeast as filmmakers. Sikkim mein kya hai ki film ka abhi tak to kuch aisa hai nahi, बस कोशिश कर रहे हैं लोग, काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो अभी यू नो दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग और यू नो ऑन देयर ओन और मे बी गोइंग आउट टू स्टडी, बट इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री अभी तक वहाँ पर कुछ है नहीं और कोई शुरुआत भी हुई नहीं है अभी तक वैसे अगर कहा जाए तो। द फिल्म सिनेरियो इन त्रिपुरा इज वेरी रूडिमेंट्री and we have still to come up with the tradition of filmmaking in Tripura. There have been only a couple of films till date, and the rest of the country, even the region, is yet to see about or hear about those films, except a couple of films that have made it into national and even international levels. Since I am a independent filmmaker, मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला, मतलब जो है फाइनेंशियल सोर्स नहीं था, ना मेरे पास कोई प्रोड्यूसर था, सो मैंने अपने आप खुद किया। और आफ्टर एंड द लेटर पार्ट ऑफ द खोंगलुंग रून, वेल वी आर शूटिंग एट द लेटर पार्ट ऑफ द खोंगलुंग रून, आई टूक 3 lakhs एज ए लोन फ्रॉम माई बैंक, तो जैसे तैसे हमने इसको पूरा किया। बाहर की दुनिया के साथ अगरतला में त्रिपुरा में फिल्म बनाने की इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की जैसे दूसरा जगह पे दूसरा स्टेट पे फिल्म बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्रीज़ वगैरह वट एवर इज नीडेड फॉर मेकिंग द फिल्म्स वो सब रहते हैं, पर त्रिपुरा में ऐसा नहीं है। ये पहली बार ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस डाला गया है 44वां फिल्म फेस्टिवल में, इफ़ी में, तो मुझे लगता है कि इससे एक जो नॉर्थ ईस्ट के 80 साल का जो इतिहास है सिनेमा की, उसका एक ओवरऑल एक पिक्चर मिलेगा कि कैसे वहाँ पे सिनेमा बनना शुरू हुआ और कैसे वो उसका सफ़र कैसे रहा है अब तक, और पुराने काफ़ी क्लासिक फिल्म दिखाए जाएंगे यहाँ पे और काफ़ी एक दो कुछ बहुत ही रिसेंट नए फिल्म दिखाए जाएंगे, तो मुझे लगता है इफ़ी में जितने लोग हैं फिल्म देखने आएंगे उनको एक एक नॉर्थ ईस्ट जो हम लोग बोलते हैं कि एक स्पेशल एरिया है और उनका जो कल्चर और ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग है, तो उसका एक ओवरऑल एक पिक्चर मिलेगा उसमें। इंडियन पैनोरमा के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि थे अभिनेता मनोज कुमार। इंडियन पैनोरमा के उद्घाटन समारोह में नए पुराने फिल्मी कलाकारों को एक साथ मंच पर देखना एक सुखद अनुभव था। पिछले कई फिल्म महोत्सवों की तुलना में इस बार नामी गिरामी फिल्मी हस्तियों की अच्छी खासी संख्या देखी गई।
मशहूर अदाकार मनोज कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। 76 वर्षीय फिल्मकार और भारत कुमार के नाम से मशहूर अदाकार मनोज कुमार से हमने उनके पंडित लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े संस्मरण भी सुने। देखिए, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शास्त्री जैसे दूर की सोचने वाले और एक अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलता नहीं। और वो भी जीवन ऐसा जीना जैसे एक कॉमन आदमी जीता है। मैंने सिर्फ सुना नहीं, मैंने देखा है कि वो अपने फटे हुए कुर्ते संभाल लेते थे सर्दियों के लिए कि वो कोट के नीचे आ जाएंगे। क्या इतिहास के पन्नों में आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है कि जब शास्त्री जी, बाबूजी हम उनको प्यार से कहते हैं, कि रेलवे एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्वेश्चन हुए पार्लियामेंट में, उसी दिन उसी वक्त वो रिज़ाइन करके सरकारी गाड़ी को छोड़ के बस में बैठ के अपने घर चले गए। जब 1965 की जंग हुई थी तो शास्त्री जी कहते थे, तब हमें विदेश से कुछ एक गेहूं आया करता था, घटिया किस्म का कुछ, तो कुछ उस देश को हमसे कुछ घृणा थी, कुछ नफरत थी, बगैर किसी दोष के हमसे कुछ दुश्मनी भी रखते थे। तो शास्त्री जी ने कहा था कि क्या हो गया, चावल चावल चावल, गेहूं गेहूं, अपने घर के बाहर आपके दो फुट जगह है, 2 मीटर जगह है, आप फल उगाइए, सब्जी उगाइए, ज्वार बाजरा की रोटी खाइए। तो उससे, और हफ्ते में 1 या 2 दिन का उपवास भी बोला, जो कुछ लोग आज तक रखते हैं। फिल्मी दुनिया के सम्मानित आगंतुकों से मिलने और उनसे अनौपचारिक चर्चा का मौका भी ये फिल्म फेस्टिवल बखूबी मुहैया कराता है। फॉर मी दिस ट्रिप वॉज वर्थ इट। एक मौका मिला मीट मिस्टर जेरी मेंजल, शेक हैंड्स विद हिम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ फैन, इट्स अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज डन टू इंडियन फिल्म मेकिंग इन जनरल। Taught many filmmakers how to go about it. There's a style of Jerry Menzel that has influenced Indian filmmakers. So I think of him as a Mahaguru from the West. Dusra ek gyan jo milta hai pictures dekhne se. It, as I said, it's my Bodhi tree. My enlightenment comes from watching the rest of the world in this small capsule called Film Festival. फिल्म फेस्टिवल में आने, फिल्में देखने से ये पता लगता है कि इस कंट्री का कल्चर क्या है, यानी कि बग़ैर आपको डिटेल्स में जाने हुए कि लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका कल्चर क्या है। द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। 20 साल में हमारा भारतीय सिनेमा ने कोई इतना बड़ा स्थान नहीं पाया है अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में, ये सच है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि पार्टिसिपेशन करना शुरू किया है। 20 साल में हमारे सिनेमा ने पार्टिसिपेट किया है, जीते नहीं हारे नहीं वो नहीं बात, लेकिन प्रभाव नहीं डाला है। प्रभाव नहीं है कि यार आज हम इंडियन फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर आप कांस फेस्टिवल में जाएं या किसी फॉरेन फेस्टिवल में जाएं, तो इंडियन फिल्म के लिए उन्हें उत्सुकता नहीं है, उन्हें ईरानियन फिल्म के लिए उत्सुकता है, उन्हें चाइनीज़ फिल्म के लिए उत्सुकता है। तो वी हैव नॉट क्रिएटेड अवर ओन ऑडियंस, ग्लोबल ऑडियंस फॉर अवर ओन फिल्म। फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पैनोरमा के पोस्टरों की एक दिलचस्प प्रदर्शनी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी अनेक पुरस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंची फिल्मों को उनके पोस्टरों के जरिए याद करना एक यादगार अनुभव रहा। गुजराती भाषा की फिल्म परसी हो, असमिया की फिल्म पापोरी या फिर बांग्ला फिल्म हीरक राजार देशे,
हिंदी फिल्मों के अलावा भारतीय भाषाओं की चुनी हुई फिल्मों को दिखाता इंडियन पैनोरमा का सेक्शन भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार 1978 में जुड़ा था। नेशनल फिल्म आर्काइव ने इसी इंडियन पैनोरमा का उत्सव मनाते हुए इस बार यहां इंडियन पैनोरमा की फिल्मों के लगभग 100 पोस्टरों की एक नयनाभिराम प्रदर्शनी का आयोजन किया। आज जो आर्काइव कर रहे हैं डिजिटाइजेशन ऑफ फिल्म्स एंड प्रिजर्विंग पोस्टर बहुत जरूरी है एंड देखने के बाद लगा कि भाई अच्छा है, जो नए आएंगे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आएंगे उनको भी मालूम पड़ेगा आगे क्या हुआ था। दिस एग्जीबिशन हैज शोन मी द वेरियस फैसेट्स ऑफ आवर इंडियन सिनेमा व्हिच इज कंप्लीटिंग 100 इयर्स एंड इट शोन द डाइवर्स नेचर ऑफ आवर इंडियन नेशन wherein you have movies ranging from the Marathi movies to the Kannada movies to the Hindi movies and various regional cinemas like the Northeast and all. It's a very beautiful exhibition. It should be taken to all parts of India. National Film Archive की स्थापना 1964 में हुई थी। पुणे स्थित यह आर्काइव राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों के संकलन, संरक्षण और विस्तार का काम करता है। इसके द्वारा फिल्म विरासत को सुरक्षित रखने, फिल्मों से जुड़ी सभी सामग्रियों के संग्रह और साज संभाल का काम फिल्म प्रेमियों और अध्येताओं के लिए बड़े उपयोग का है। NFI मीन्स राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये संपूर्ण भारत में एकमेव ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इंडियन एज वेल एज फॉरेन फिल्म का चयन करती है, उसको प्रिजर्व करके रिस्टोर भी करती है और फिल्मों के साथ साथ फिल्म के से रिलेटेड जुड़े हुए जितना भी मटेरियल है, मतलब सॉन्ग बुकलेट्स रहते हैं या वॉल पोस्टर्स रहते हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स रहते हैं, इन सब चीज़ों का हम प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन करते हैं ताकि जग भर के जो रिसर्चर्स रहते हैं उनको उनके रिसर्च में काफ़ी मदद मिले। पूरे 11 दिनों तक चले भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सतरंगी छवियों और सभी हलचलों को समेट पाना इस आधे घंटे की रिपोर्ट में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आपको छोड़े जाते हैं गोवा की जिंदगी में शामिल हो चुके इस मेले के कुछ रंगों और फिल्म फेस्टिवल की समापन की छवियों के साथ।